यार यहाँ पे हिमाचल में जोरों शोरों से बारिश हो रही है और कितनी गंदी बारिश हो रही है क्या ही बताऊं। और यार दरिया हमारा इतना ही ज़्यादा आया हुआ है आज कि हमारे खेत वगैरह टोटली नुकसान हो चुका है और अभी हम वहाँ तक जा भी नहीं सकते क्योंकि पानी इतना ही ज़्यादा आ चुका है। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ यार, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारा, क्या सबका, बंदों के घराले वगैरह, बैल वगैरह, गाय वगैरह, वो सब कुछ भी डूब रहे हैं पानी में। इस टाइम बड़ी ही जान और माल की हानि हो रही है यहाँ पे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यार दरिया ने क्या ही रूप लिया हुआ है यहाँ पे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यार, बड़ा गंदा सीन हो रखा है आज यहाँ पे। तो अभी जो आप ठीक सामने देख पा रहे हो, तो यहाँ पे जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे खेत ही हैं सारे ऊपर तक, और पानी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसा बोला जा रहा है कि बागसूनाथ में, धर्मशाला में बादल फटा हुआ है, और अभी देख रहे हो पानी कितना ज़्यादा बढ़ चुका है और बढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं आज क्या होने वाला है यहाँ। तो अभी आप देख सकते हो पानी कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, और सामने जो पहले खेत दिखाई दे रहे थे वहाँ पे अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, पेड़ वगैरह सारे बह गए हैं, और अभी यहाँ पे पानी ही पानी हो गया है। और किसान बेबस हैं अपने फार्म हाउस में जाने के लिए, जहाँ पे उनके जानवर वगैरह अंदर बंद हैं, परंतु वो बेबस हैं, दूर से ही देख पा रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा है कोई भी। तो अभी देखते हैं पानी कम होता है उसके बाद क्या बनता है। और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है आज यहाँ के फसलों का, गाड़ियों का, जान का, माल का, घरों का, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मैंने आपको दिखाया कैसे धर्मशाला हिमाचल में बादल फटा है और कितना ज़्यादा पानी यहाँ पे बढ़ चुका है दरिया में, और कितना नुकसान हुआ है खेतों का, किसानों का, हमारे खेतों का कुछ नुकसान हुआ है, और जानवरों का भी तक पता नहीं है, रिमोट वहाँ पर पहुँचना नामुमकिन है खेतों में। इस टाइम सभी तरफ पानी ही पानी हो रखा है, और यहाँ पे कितना नुकसान हुआ भी बता नहीं सकते, बट काफ़ी हुआ है। तो अभी जैसे दरिया शांत होकर नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर बनाऊँगा कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है बादल फटने से यहाँ पे खेतों का। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।